शुरू करते हैं खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट का। बसीन साहब, लिस्ट लंबी है, फटाफट आपसे राय जानना चाहेंगे। मुथूट फाइनेंस से शुरू करेंगे, स्ट्रांग नंबर्स हैं और एनआईआई में 24% का उछाल, प्रॉफिट बढ़ी है 17%। सर आपकी राय? नहीं, होल्ड की रेटिंग है बिल्कुल, दैट इज अ मार्केट लीडर इन द फाइनेंस पार्ट, और मुझे लगता है होल्ड की रेटिंग है उसपे। होल्ड की रेटिंग। भारत डायनेमिक्स के भी स्ट्रांग नतीजे हैं, शेयर ये चला भी है, खूब जम के है और हम देख रहे हैं कि मार्जिन बहुत इंप्रूव किया है, 14% का इंप्रूवमेंट है और एबिडा में 72-73% की ग्रोथ है। भारत डायनेमिक्स बने रहे इसमें सर? बिल्कुल, देखिए तीन शेयर आउट परफॉर्म है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, बीएल और भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक यहाँ से भी मुझे 15-20% की अपसाइड दिखती है और सरकार आ गई तो 25% की अपसाइड। ठीक है, भारत डायनेमिक्स में भी बने रहने की सलाह है। सनटेक रियल्टी, ये कंपनी आ गई है घाटे से मुनाफे में, 28 करोड़ के घाटे के मुकाबले 101 करोड़ रुपए का मुनाफा, आज स्ट्रांग ओपनिंग वैसे होनी चाहिए शेयर की। और रेवेन्यू बढ़ा है 773%, 49 करोड़ के बेस पर 427 करोड़। सनटेक रियल्टी भसीन साहब? देखिए अभिषेक जी, सारे रियल एस्टेट कंपनीज बहुत दमदार रिजल्ट दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली डीएलएफ ने रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिए लेकिन रोज नीचे आए जा रहे, तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छे रिजल्ट्स पे भी आ रही है। यहाँ पे मेरा टॉप पिक रहेगा इंडिया बुल रियल एस्टेट, इसमें मेरे को कन्विक्शन है, इसमें कलर है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, एम्बेसी की फ्लैगशिप कंपनी है, 250 रुपए का टारगेट इस साल में। एक कंपनी भसीन साहब वेल्सपन कॉर्प, इसके नतीजे रहे कमजोर हर फ्रंट पर, मार्जिन हो, प्रॉफिट हो या फिर रेवेन्यू हो, आपकी सलाह क्या होगी? शेयर काफी बढ़ चुका है, क्वार्टरली नंबर्स वीक आ सकते हैं, द ग्रुप इज डूइंग वेरी वेल ओवरऑल, तो होल्ड की रेटिंग है इसमें। होल्ड की रेटिंग। इंडिया पेस्टिसाइड के कमजोर नतीजे, रेवेन्यू 16% गिरी, मुनाफे में मुनाफा हो गया करीब करीब 95% गिर गया इनका मुनाफा। इंडिया पेस्टिसाइड, इसको आप ट्रैक करते हैं मसीन साहब? नहीं, आप इसको मेरे हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल में सारे वीकेस्ट क्वार्टर आ रहे हैं, आगे की गाइडेंस जो एसआरएफ अतुल नवीन ने दी है वो बहुत पॉजिटिव है, बट मैं यहाँ से सजेस्ट करूंगा आप बेटर नेम में चले जाइए, एसआरएफ या अतुल में जाएंगे तो यू विल हैव मोर विजिबिलिटी एंड आई थिंक मोर कॉन्फिडेंस इन बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, एसआरएफ या अतुल में आप शिफ्ट कर जाइए। एक आखिरी शेयर गुजरात अल्कलीज, और इसका जिक्र इसलिए क्योंकि ये कंपनी आ गई है घाटे में, मुनाफे के मुकाबले 71 करोड़ रुपए का मुनाफा था पिछले क्वार्टर में, अब है 46 करोड़ रुपए का घाटा। हालांकि इसका अगर हम एबिटा देखेंगे तो वहां पर परफॉर्मेंस ठीक है, मार्जिन भी इंप्रूव किया, लेकिन घाटे का नंबर है सर? होल्ड की रेटिंग है। देखिए अभिषेक जी, ये 250 से 750 हो गया रिजल्ट में, भाव पहले ही 2 साल से दिख गया कि गुजरात अल्कली ने एक आउट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल इनपुट और इंग्रेडिएंट स्टॉक्स में वीकनेस है और रह सकती है एक क्वार्टर, हाउएवर लॉन्गर टर्म में ये मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशलिटी केमिकल एंड एग्रोकेमिकल विल कम बैक वेरी शार्पली इन द नेक्स्ट सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये नजरिया गुजरात अल्कलीज में पर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में स्पेशलिटी केमिकल्स में मूव आएगा। भसीन जी, इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, एयरपोर्ट से आप लाइव थे, हमारे सभी दर्शक आपका बेसब्री से वेट भी कर